हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैं जंगे बदर में एक सफ में खड़ा था। मैं अचानक पीछे मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि मेरे दाएं और बाएं दो कम उम्र नौजवान थे। उनको देखकर मैं जरा मुतमइन ना हुआ। मेरे पास ये कम उम्र नौजवान क्यों हैं? बल्कि मैं चाह रहा था कि मेरे आसपास जरा मजबूत और जंगजू लोग हों, ताकि जंग के वक्त हम एक दूसरे की मदद कर सकें। बस अब मैं ये सोच ही रहा था तो उनमें से एक नौजवान ने मुझसे कहा कि चचा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हो? अगर जानते हो तो अबू जहल को जरा हमें दिखला दीजिए। मैंने उससे पूछा, भतीजे तुम उसे जानकर और देखकर क्या करोगे? तो उनमें से दूसरे ने कहा कि चचा जान, हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह को गालियां बकता है। कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो उसका सर तन से जुदा कर दूंगा या फिर मैं शहीद हो जाऊंगा। हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ उन बच्चों का जोश और वुलवुला देखकर। मैं हैरान था। इतने में मैंने देखा कि सामने अबू जहल दुश्मनों की सफ़े सीधी कर रहा है। मैंने उन कम उम्र नौजवानों से कहा कि वो देखो, वो रहा तुम्हारा शिकार। ये सुनना ही था कि वो दोनों नौजवान भूखे शेर की तरह अबू जहल की तरफ लपके। एक ने घोड़े की टांग पर हमला किया और दूसरे ने घोड़े पे बैठे गधे यानी अबू जहल की टांग पर हमला किया। घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर गए और ये दोनों नौजवान मुसलसल अबू जहल पर वार करते जा रहे थे, उसे संभलने का मौका तक ना दिया। इतने में अबू जहल का बेटा इकरमा, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाया था, उसने अपने बाप की ये हालत देखी तो मदद के लिए पहुंचा और आकर उसने एक नौजवान के कंधे पर इतनी जोर से तलवार मारी कि उसका कंधा कट गया और सिर्फ चमड़े पर लटक गया। लेकिन फिर भी वो नौजवान लड़ता रहा। जब हाथ बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगा तो उसने अपने हाथ को पैर के नीचे दबाकर खींच दिया और फिर लड़ता रहा। और एक अच्छे खासे मुकाबले के बाद इन दो नौजवानों ने उस दुश्मन इस्लाम को जहन्नुम रसीद कर दिया। फिर ये दोनों नौजवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसने अबू जहल को कत्ल किया? तो दोनों ने कहा कि मैंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलवारों को देखा तो उनकी तलवारों से खून टपक रहा था। तो आपने फरमाया कि तुम दोनों ने उसको कत्ल किया है। किताबों में आता है कि ये दोनों अंसारी नौजवानों ने अबू जहल को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। वो मरा नहीं था, वो जमीन पर गिर गया था और ये अंसारी नौजवान समझे कि वो मर गया और उसे मरा हुआ समझकर उसको वहीं पर छोड़कर चले आए थे। अबू जहल एक जगह जख्मी पड़ा हुआ था, अपनी आखिरी सांसें पूरी कर रहा था और चूंकि ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए हजरत अब्दुल्ला उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। मगर ये बदबख्त अबू जहल उस वक्त भी अपनी बड़ाई और घमंड से बाज नहीं आया। कहने लगा कि ए बकरी के चराने वाले, तूने बहुत बड़ी जगह पैर रखा है और देख, मेरी गर्दन मोंडों के पास से काटना, ताकि मेरी गर्दन सबसे ऊंची मालूम हो और सारे मक्का वालों को पता चले कि ये सरदार की गर्दन है। हजरत जुबैर ने अबू जहल की गर्दन उतारी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर टांग दी। हुजूर ने अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया और ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह ने हमें फतेह नसीब फरमाई है, हम जंग जीत गए हैं। हुजूर ये जंगे बदर के बारे में फरमा रहे थे क्योंकि अबू जहल के भी जंगे बदर के दिन ही गर्दन काटी गई थी। गर्ज ये कि ईमान वालों को इस जंग में जबरदस्त कामयाबी नसीब हुई। इस जंग में बेशुमार कुरैशी और मक्का वाले कत्ल हुए, बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए और बहुत सारे लोग जान बचाकर भाग भी गए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। इस लाइक के बटन पर क्लिक करने में आपका सिर्फ एक सेकंड लगता है और आपको नेकी मिल जाती है। वो इस तरह जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इस वीडियो को दूसरे मुसलमान भाई भी सुन पाते हैं और ये एक नेकी का काम है, इसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाना चाहिए।